नमस्कार दोस्तों मैं अंगारा लाल अभी मैं चंदा भाभी की स्टूडियो में हूँ आप लोग जानते होंगे या देख नहीं जानते होंगे तो मैं बता देना चाहता हूँ कि चंदा भाभी के चैनल पर स्ट्राइक आया था जिसको लेकर बहुत बवाल हो गया था यानी कि इनकी जो पूरी अभी तक जितना ये चैनल पर मेहनत करके कुछ काम कर रही थी कुछ इनकम कर रही थी वो सब मिट्टी में मिलने वाला था लेकिन कैसे ये स्ट्राइक मारने वाले को पकड़ी लोग कि आज जो है इनका चैनल सुरक्षित बच गया है आज से पहले बहुत लोगों का और आज भी बहुत लोगों का फ्रॉड काल आता है बहुत लोगों का चैनल हैक हो जाता है फेसबुक हैक हो जाता है लेकिन वो लोग गौर नहीं करते हैं लेकिन इनके चैनल पर जब स्ट्राइक आया और इनका चैनल हैक हुआ तो इन्होंने ध्यान दिया कि आखिर में हुआ कैसे तो ये लोग बहुत दिमाग लगाए और किस तरह से उस हाइकर को पकड़ लिए लोग अब इनसे जानेंगे बातचीत करेंगे और जो उनकी दशा है वो अब तो लगता है कि जीवन में ऐसा नहीं करेंगे लेकिन अगर ऐसा दोबारा गलती दोहराएंगे तो उनके लिए उनको जेल के पीछे जेल की सलाखों में बंद करवाने के लिए पूरे पूर्वांचल के जितने यूट्यूबर हैं जितने चंदा भाभी के जैसे यूट्यूब चैनल पर काम करने वाले हैं सब लोग एकजुट होकर उनको जो है जेल में बंद करवाएंगे लेकिन उससे पहले जानना चाहेंगे हम कि कैसे वो स्ट्राइक मारे और कैसे इनको पता चला और कैसे उनको गिरफ्तार करवाए लोग और किस तरह से उनको जेल में भिजवाए वो सब बातचीत करेंगे तो देखिए चंदा भाभी बैठी हुई हैं बातचीत करेंगे स्वागत है तो जितने लोग अंगारा लाल के चैनल पर देख रहे हैं सबका सादर प्रणाम बा भा। और भैया ये बस्ती के रहने वाले थे जो मेन मालिक आशीष तिवारी लिखते हैं आशीष जी और एक बिक्की तिवारी बिक्की बिक्की चौहान और एक क्या नाम है सनी, सनी चौरसिया।, चौरसिया तो ये लोग हमारे चैनल पे स्ट्राइक दिए एक आ, पता नहीं कब दिए थे ये दूसरा वाला हमने दो तारीख को देखा बड़ी दो तारीख को हमने देखा दूसरा वाला जब देखा तो इधर से ए मेल जो किया जाता कुछ भी तो हम लोग करके भेजे तो उन लोग रिजेक्ट कर दिए और उधर से लिख के भेजे कि बीस हज़ार रुपया दे दीजिए और नहीं ज़्यादा दिमाग लगाएंगी तो कल तक आपका चैनल डिलीट कर दिया जाएगा तो हम लोग को कुछ दिमाग नहीं लग रहा था कुछ नहीं कर पा रहे थे कैसे करे कैसे करे तो हम लोगों ने उनसे बातचीत फ़ोन से किया कुछ बातचीत हम फ़ोन से किया सेमस द्वारा और कुछ बातचीत अभी भाभी आई हैं दिल्ली से वो बताएंगी, उनके द्वारा बातचीत करवाया गया कि मुझे आपसे मिलना है गाना गाना है ऐसे ऐसे करके तो हमारे हस्बैंड जी के एक दोस्त वहाँ रहते थे उनके द्वारा हम लोग उनको पकड़े और पकड़ के मारे भी हैं उनको बहुत ज़्यादा नहीं मार पाए हैं और दो चार थप्पड़ दस थप्पड़ उनको लगा जैसी तैसे पुलिस लोग आ गए पुलिस के हवाले कर दिया गया और इतना उन लोगों के साथ इतना कर दिया गया है जीवन में वो कभी स्ट्राइक नहीं मारेंगे बाकी तो देखा जा क्या हो कैसे आप पकड़ लें कि नहीं हैकर्स जो है वही हैं ये कैसे आप हम बताते हैं जी देखिए सबसे पहले आपके न्यूज में स्वागत है आज के आठ महीना पहले हमारे केसी म्यूजिक पर बिक्की चौहान ने मारा था स्ट्राइक और उसके सरदार हैं आशीष तिवारी बाप का नाम है अचल तिवारी और उनका घर है विष्णुपुरा भभनान बस्ती ये इतने बड़े बदतमीज आदमी हैं इतने बड़े फ्राड आदमी हैं लगभग हजारों चैनलों का वो लोग हैक करते हैं और उसके बाद में पैसे के डिमांड करते हैं जब पैसा नहीं दिया जाता है तो उन उन लोगों से उन लोगों का चैनल टर्मिनेट कर दिया जाता है ये कौन है फिर से जानिए आशीष तिवारी बाप का नाम अचल तिवारी बभनान बस्ती थाना गौरा इतने फराड आदमी हैं और इसके साथ गैंग में कम से कम पचासों लोग काम करने वाले हैं यहाँ से बिहार तक प्रदेश में पूरे बिहार तक काम करने वाले हैं पहली बार तो जब मेरा मेरे किसी म्यूजिक पर चैनल स्ट्राइक मारा गया था तो हम जान नहीं रहे थे इसके बारे में तो हमसे पंद्रह हज़ार रुपया ले लिया गया था वो कौन है बिक्की चौहान वो अगर सुन रहे हैं तो वो भी सुने इस बात को हमने उसको उनको थाने में नहीं पकड़वाया वो आए नहीं लेकिन उनका नाम हमने थाने में लिखवा दिया है और स्टाम्प पेपर पर भी लिखा है किसी तरह हमने दे दे दिया उसके बाद हमारी उनकी मित्रता हो गई फिर काफ़ी दिन हमारी उनकी चलती रही हालांकि वो नहीं मारे स्ट्राइक लेकिन जो उनके जो मेन सरदार हैं उनके नीचे जो लड़का काम करता है सनी सनी स्ट्राइक हमारे चंदा भाई ब्लॉक वाले पर एक तारीख को एक स्ट्राइक मारा दूसरा स्ट्राइक दो तारीख को मारा है ईमेल का नाम है विराट विराट के नाम से मारा है जो विराट कुमार है उसका जो है वो तो दो तारीख को जो मारा था तो हमने जो हमारा चैनल देखते हैं दिवाकर शर्मा जी जो हमारे मैनेजर हैं चैनल के वो उस पर काउंटर फाइल किए काउंटर फाइल टर्मेंट कर दिया गया फिर हम लोग को एक तारीख से नींद नहीं आ रही थी हमारी वाइफ रो रही थी घर में चार दिन लगातार रोई हैं तीन दिन और पूरे स्टूडियो हमारा तीन दिन बंद था इतना नुकसान हुआ है किसी तरह हम लोगों ने उसको बात करके इधर उधर से करके दिल्ली की भाभी जी आई हैं ये अनिता मिश्रा जी तो उसको बात करके हमारा एक दोस्त रहता है भवनान में उससे बात करके हम उसको गए पकड़े और पकड़ने से पहले हमने साइबर क्लेन पर जाकर तीन तारीख को हमने एफ किया था वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ साइबर क्राइम वाले कहें दो दिन के अंदर पकड़ेंगे लेकिन वो वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं किए हाँ अगर सुनिए अगर वो कहें कल अगर कल तक वो चार तारीख पाँच तारीख तक नहीं पकड़ते तो हमारा चलन टर्मिनेट हो जाता उसके बाद में जब नहीं सुनवाई किए हमारा एक दिन बचा था तो हम लोग स्वयं प्लान करके गए भवनान वहाँ उसको किसी तरह से पकड़े अब कैसे पकड़े वो चीज़ हम नहीं बताएंगे जो पकड़वाया बंदा उसका नाम नहीं बताएंगे हम उसको पकड़ने के बाद प्रशासन का जो अप्लीकेशन था हम स्वयं ले करके गए थे हमारे यहाँ से हम गए थे संध्या पंडित के आ, जो है आदमी जो है उनके पे दो स्ट्राइक मारा गया था लगभग बीस बाईस बी� लोग यहाँ से गए कि पकड़ के उसको पुलिस के हवाले ला करेंगे ना कि उसको मारेंगे जो दो चार थप्पड़ मारते थे ये उसमें कहने की बात नहीं थी मारने के बाद उसको हम पुलिस के हवाले करते लेकिन वहाँ जब उसको हम किसी तरह पकड़ ले लिए तो वहाँ तीन लोग थे और चौथी उसकी महिला थी जब उसको पकड़े पकड़ने के बाद वहाँ पर दो चार थप्पड़ मारा गया गाड़ी में बैठा रहे थे उसने प्रशासन आ गया प्रशासन हमारा बहुत मदद किया इस बात के लिए बहुत बड़ा वो है कि वहाँ का प्रशासन जो है बहुत अच्छा था पुलिस प्रशासन लोगों ने पकड़ने के बाद लाए चौकी पर चौकी पर लाने के बाद वो कबूला कि भैया हम नहीं मारे हैं हमसे मरवाया जाता है डेढ़ साल मुझे सिखाया गया है सनी चौरसिया लड़का बोल रहा था वो बोला हमारे सरदार आशीष तिवारी जी हैं वही सबसे मरवाते हैं फिर उनको गए हम लोग पकड़ के लेके आए पकड़ के लाने के बाद चौकी पर उनको कुछ लोग मारने लगे फिर प्रशासन ने रोका प्रशासन ने वहाँ पर हमारा मदद किया हम लोग वहाँ नहीं मारे पीटे फिर उसके बाद बोले कि थाने चलो थाने पर गए वो साला कबूला नहीं कि मेरा जो है हम लोग मारे हैं लेकिन हम अकेले हम लोग होते तो वहाँ कुछ ना होता लेकिन ये सब जो महिलाएं थी तो हमारी वाइफ जो है और ये भाव्य जी और रेणू निषाद जी रंजना यादव जी बाकी जयबीर जी वहाँ पर ढेर सारे लोग थे राज अब्दुल्ला तमाम लोग हमारे फैजाबाद पुलिस टीम गई थी फिर वो कबूल नहीं रहा था जब इस एस ओ जी उसको डरवाए धमकाए कि जेल भेज देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे तब तो वो कहा भी हम हटवाते तो तीन स्ट्राइक हटा मेरे पे एक वाला दो स्ट्राइक समझा पंडित लेकिन एक नहीं हट पाया था जल्दी जल्दी हटा रहा था गूगल ट्रांसफ़र कर दिया कि ये चौबीस घंटे बाद होगा फिर हम लोगों ने वहाँ बंद करवा के चले आए घर रात में दो बजे फिर उसके बाद में दूसरे दिन वो लोग गड़गड़ाने लगे कि आइए छुड़वाइए ये करिए वो करिए नहीं हैं जेल चले जाएँगे तो हम लोगों ने गए वहाँ पर फिर हमने ये लिखाया हमारे चारों चैनल पर अगर स्ट्राइक लगता है तो इसके जिम्मेदार आशीष हो गए और हमारे ग्रुप का भी अगर कोई अगर लगा तो इसके ज़िम्मेदार आशीष होंगे या इनकी पूरी टीम होगी उसके बाद इन्हीं को हम पकड़ेंगे डायरेक्ट मैं जानना चाहूँगा कि स्ट्राइक अक्सर करके सभी लोग जानते हैं इस बात को कि स्ट्राइक तभी आता है जब दूसरे का कंटेंट यूज करते हैं तो क्या आप दूसरे का कंटेंट यूज़ किए थे या फिर कैसे स्ट्राइक आ गया हम आज तक किसी का कंटेंट यूज नहीं किए हैं जो किया है मेरा स्वयं किया है यूज़ कंटेंट मैं आपको बता देना चाहता हूं हमारे साथ बिजली रहते हैं बिजली का तमाम वीडियो उठा उठा के लोग डाले हैं लेकिन जो गाने पे लगा था हमारी मैडम जो है गाना गाई थी टमाटर की महंगाई पे दो किलो के पार टमाटर जो महंगा हो उस पर गाना गाया गया था एक कांवर का सॉन्ग था वो मेरे यहाँ म्यूजिक बनी है टमाटर वाले गाने की म्यूज़िक हमारे जयबीर जी बनाए हैं जे राग गोरखपुर के म्यूजिक डायरेक्टर और जो कंवरिया वाला गाना था वो डी आदर्श मनाए हैं टांडा के रहने वाले हैं ये कैसे स्ट्राइक मार दिया कुछ बताए वो लोग कि हम कैसे हम लोग मारे नहीं भैया नहीं है स्ट्राइक ऐसा नहीं है स्ट्राइक दो कई प्रकार के होता है जैसे कि स्ट्राइक कभी हम किसी के यूज करते हैं तब स्ट्राइक दिया जाता है सही लगता है कुछ लोग थम्बे पे मार देते हैं कुछ लोग आवाज पे मार देते कुछ लोग धुन पे, लो पे मार देते हैं ठीक है लेकिन ना उनकी धुन थी ना उनका कोई म्यूजिक था कुछ भी नहीं था ना वो लोग गाते बजाते सिर्फ फराड करते हैं नंबर एक का फराड जो कि भभनान बस्ती में उनकी आपस खुल रही है ये आप लोग जान लीजिए कि उनके पास कोई सेमस चैनल ना करवाए नहीं आए दिन अगर सेमस कर लेंगे आपको ज़िंदगी भर भुगतना पड़ेगा ये स्ट्राइक भैया पैसे के लिए मारा गया है ये फेक स्ट्राइक है इस चैनल पे कुछ रहता नहीं इन लोगों का एक दो गाना पड़ा रहता है नहीं कभी कभी कुछ नहीं रहता है ये फेक स्ट्राइक मांगते हैं और धमकियां देते हैं कि इतना इतना पैसा दे दीजिए नहीं तो आपका चैनल डिलीट कर दिया जाएगा और अभी जो पैसे के डिमांड किए हैं उसका स्क्रीन भी आपके चैनल से लगवाया जाएगा देखिए देखिएगा और बहुत सारे ये लोग ऐसे करते हैं भैया आज हम एक साल से डेढ़ साल से ये लोग हमको परेशान कर रहे हैं ये हमारे दूसरे वाले चैनल पे आठ महीना पहले ये लोग मारे थे फिर इस वाले चैनल पे ये लोग मारे हैं इन लोग के कम से कम आठ दस लोग के टीम है, आरु है। लोग की टीम है यहाँ से भी जो भी है, देखिए आ... मतलब ये फेक स्ट्राइक मार के और फिरौती मांगते हैं एक तरह से कहिए तो और फिरौती इस तरह से मांगते हैं कि सामने वाला जिसका चैनल होता है वो देने के लिए मजबूर हो जाता है जिसको न, अब तो इन लोग को अब जानकारी हो गई थी क्योंकि अब स्टूडियो खोले हुए हैं तो सब कुछ जानकारी है तो ये लोग तो पकड़ लिए लेकिन अब सोचिए जो इसके बारे में नहीं जानता है अगर उसके पे फेक स्ट्राइक आ जाएगी अगर उससे फिरौती मांगी जाएगी तो फिर वो क्या करेगा अगर उसका चैनल थोड़ा सा ग्रोथ किया है थोड़ा सा चल रहा है कुछ इनकम कर रहा है तो वो तो परेशान हो जाएगा अपने चैनल बचाने के लिए तो उसका ये लोग लाभ लेते हैं और आए दिन आज बात करिए किसी से भी मिलेंगे किसी भी यूट्यूबर से थोड़ा सा उनका अगर चैनल ग्रोथ कर रहा है तो वो ज़रूर बताएंगे कि हमारा फेसबुक हैक हो गया हमारा यूट्यूब चैनल हैक हो गया अभी मुझे एक फ़ोन आया था कि उनका चैनल जो है उनके मोबाइल में नहीं दिखा रहा है तो मतलब इस तरह से लोग हैक कर लेते हैं और उनसे फिरौती मांगते हैं